हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका जो भी सवाल है जिस भी एरिया से रिलेटेड है और उसका आपको आंसर चाहिए तो द बुक ऑफ आंसर से आपको उसका आंसर मिलेगा। इसमें हम आंसर के साथ साथ और गाइडेंस भी ऐड करेंगे जस्ट टू हेल्प यू नो कि आपके सवाल के अकॉर्डिंगली गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। जो भी सवाल है आपके जहन में थिंक ऑफ दैट और मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगी ताकि आप अपना सवाल सोच सको और उसकी हम एनर्जीज पिक कर सकें। So your time starts now. Be practical. So आपका जो भी सवाल है आपको उस चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ज़्यादा यू नो विशफुल हो रहे हो और प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। सो मे बी आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है उसकी तरफ आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ऐसा यू नो प्रैक्टिकल स्टेप्स कैन बी एनी थिंग लाइक यू नो आपकी यू नो जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कोई जॉब है, कोई कोई भी चीज़ है, उसकी तरफ आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसकी तरफ आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आप शायद यू नो आप चाह रहे हो कि कुछ हो जाए लेकिन ना आप मेंटल एक्शन ले रहे हो ना ही आप फिजिकल एक्शन ले रहे हो टूवर्ड्स इट। सो देर इज़ समथिंग जो आपको करने की ज़रूरत है, चाहे वो अपने मेंटल थॉट्स फिक्स करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपको यू नो प्रैक्टिकली उसकी तरफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई जॉब चाहते हो या कोई आपको यू नो यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। सो अगर आप एक्शन लोगे तो चीज़ें आपके वक्त में बेहतर बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में, क्या आप गलत कर रहे हो या क्या आपको करना चाहिए। लेट्स सी इमेंस एफर्ट की ज़रूरत है और टू एडवांस इस सिचुएशन को लेकर। जो भी आपका सवाल है उसमें मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या पर्सन आपसे शादी करेगा फॉर इंस्टेंस, तो अगर वो शादी करना चाहता है तो उसको एफर्ट करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे शायद जो कि वो नहीं रहेगा। सो अगेन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब तक ये नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सी यू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।